2017 से प्रत्येक 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस यानी इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने एस्ट्रॉयड के खतरे को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 जून 2017 से अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिन का महत्व क्या है? लोगों के बीच क्षुद्र ग्रह को लेकर जागरूकता बढ़ाना, इससे होने वाले खतरे को लेकर युवा पीढ़ी को बचाना, युवा पीढ़ी को इससे होने वाली भयानक घटना को विस्तार से समझाने के लिए क्षुद्र ग्रह दिवस को हर साल मनाया जाता है। एस्ट्रॉयड क्या होता है? क्षुद्र ग्रह आमतौर पर क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं, जो कि सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाया जाने वाला एक क्षेत्र है। यह वह क्षेत्र है जहाँ क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कई लोग क्षुद्र ग्रह को ही उल्का पिंड भी कहते हैं, लेकिन जब कोई क्षुद्र ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने के बाद पृथ्वी पर गिरकर बच जाता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। हालांकि भारत में क्षुद्र ग्रह की पृथ्वी से टकराने की घटनाएं काफी कम होती हैं। पहले एस्ट्रॉयड की कब हुई थी खोज? पहले क्षुद्र ग्रह की खोज साल 1801 में खगोल शास्त्री गुइसेप पियाजी ने की थी। यह अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की तरफ से अब तक खोजा गया सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि 30 जून 1908 को रूस की तुंगुस्का नदी के पास बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसे क्षुद्र ग्रह के चलते धरती पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा नुकसान बताया जाता है। इसी कारण क्षुद्र ग्रह के खतरे को लेकर जागरूक करने के लिए 30 जून को क्षुद्र ग्रह दिवस मनाने की शुरुआत की गयी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें पर्यावरण पोस्ट।